मैं किसी डीएम का इसलिए नहीं मानूंगा, डीएम कौन होता है? अगर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री फोन करेगा, डीएम क्या कर सकता है, डीएम की क्या हैसियत है? जानता हूं, जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी, मैं नहीं जानता हूं डीएम कौन है, किसकी सिफारिश पे ये मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। डीएम बेईमानी कर रहा है, डीएम की हैसियत क्या है? अखिलेश यादव 10 मार्च को मतगणना से पहले गुस्से से लाल हो चुके हैं। गुस्सा योगी मोदी से ज्यादा वाराणसी डीएम पर है। अखिलेश का पारा वाराणसी डीएम पर इतना गर्म हुआ कि अखिलेश ने डीएम की औकात तक की बात शुरू कर दी और डीएम के अतीत को भी सबके सामने रख दिया। दरअसल अखिलेश यादव वाराणसी में मतगणना स्थल से 2 वाहनों में भर कर जा रही ईवीएम को लेकर प्रशासन और सिपाहियों के बीच बवाल को लेकर गर्म हो गए। सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की सूचना पर अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वाराणसी प्रशासन पर ईवीएम में छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगा डाला। अखिलेश बोले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रमुख सचिव के इशारे पर सभी जिलों के डीएम को भाजपा के पक्ष में बेईमानी करने के आदेश मिल रहे हैं, जिसके चलते वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा भाजपा जिताओ और योगी मोदी की इज्जत बचाओ अभियान में लग गए हैं। डीएम कौशल राज शर्मा पर हमलावर अखिलेश यादव ने उनकी औकात की बात करते हुए कहा कि कौशल राज शर्मा को पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में उन्होंने ही दी थी, लेकिन आज वो मोदी योगी की चापलूसी कर वाराणसी से जिले के डीएम बने हुए हैं और बेईमानी करा रहे हैं। अखिलेश तो मुजफ्फरनगर के नाम लेकर चुप हो गए, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि कौशल राज शर्मा की मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग कब और किन हालातों में हुई थी। आपको बता दें, 28 अगस्त 2013 को अखिलेश ने कौशल राज शर्मा को मुजफ्फरनगर के डीएम बनाकर हेलीकॉप्टर से वहां भेजा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुजफ्फरनगर में 27 अगस्त 2013 को जानसठ थाना इलाके के गांव कवाल में शाहनवाज की हत्या कर लौट रहे सचिन और गौरव की आक्रोशित भीड़ ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। अचानक 3 हत्यारों से जिला सुलग उठा था। पुलिस ने घटना के बाद कई गिरफ्तारियां की थी, लेकिन सरकार की किरकिरी के चलते 27 अगस्त की शाम को ही तत्कालीन डीएम सुरेंद्र सिंह और एसएसपी मंजिल सैनी का अखिलेश ने तबादला कर दिया था और 28 अगस्त को कौशल राज शर्मा को डीएम का चार्ज सौंप कर विशेष हेलीकॉप्टर से लखनऊ से मुजफ्फरनगर भेजा गया था। कौशल राज शर्मा ने सांप्रदायिक आंच से सुलग रहे मुजफ्फरनगर की कमान संभाली थी, लेकिन एक के बाद एक हुई 3 पंचायतों के बाद 7 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर दंगा भड़क गया था। कौशल राज शर्मा के डीएम रहते भले ही मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा भड़का था, लेकिन पोस्टिंग के करीब 20 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जिले में लोकप्रियता की ऊंचाइयों को भी छुआ था। लोगों ने माना था कि दंगे का कारण तत्कालीन घटना नहीं बल्कि उससे कई महीने से पहले जिले में पैदा होती जा रही तनाव की कई परिस्थितियां थी, जबकि कौशल राज शर्मा ने जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हुए मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम की खाई कम करने का काम किया था। आपको बता दें कि कौशल राज शर्मा योगी सरकार में राजधानी लखनऊ के डीएम भी रहे हैं। वो सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए वो भाजपा की लाइक लिस्ट में हैं। लेकिन अखिलेश का इल्जाम है कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।